वहीं जी रोड सड़क चौड़ीकरण कार्य में हो रहे भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा ने जो अभियान छेड़ अपना विरोध जताया है उस पर पलटवार करते हुए विधायक व कैबिनेट मंत्री ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को नियम की जानकारी की कमी है, होते हुए कार्य को देखकर उनके पेट में दर्द हो रहा है। इन दिनों दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत दुर्ग शहर के हृदय स्थल से गुजरने वाले जीई रोड के चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्ग में चरणबद्ध आंदोलन कर बिना भेदभाव के सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की थी और विरोध भी जताया था। इसी कड़ी में सोमवार को शहर विधायक व कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों को कानून के नियम कायदे की आधी अधूरी जानकारी है, जिसके चलते ये बातें सामने आई हैं, और साथ ही कहा कि जिसने विकास कार्यों का महत्व नहीं समझा वो अपने शासन काल में कोई कार्य ना करा सके। अभी जो वर्तमान में विकास कार्य किए जा रहे हैं उनसे भाजपा के लोगों में पेट दर्द उठ रहा है, और साथ ही आगे ये भी कहा कि इस पेट दर्द का इलाज भी है। इस संबंध में न्यूज टीम को विधायक अनवोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नियम कानून और मापदंड के अनुसार होते हैं, उन्होंने कोई कार्य तो कभी कराया नहीं। अब कराया नहीं तो नियम कानून तो जानते नहीं है। नियम कानून के बाद ही मंजूरी मिलती है किसी कार्य को। जब मंजूरी मिल गई है, 14 साल में उन्होंने इस कार्य को कराया नहीं, तो अब जब काम हो रहा है तो उनके पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक ही है भाई। दर्द तो होगा, लेकिन दर्द की दवा भी है। दवा यह है कि विकास, जो विकास दिखेगा वो दवाई है उनके लिए। तो उनको भी यहीं रहना है, सबको यहीं रहना है। जब दुर्ग में अच्छा काम हो रहा है तो राजनीतिक रूप से विरोध न करके इसको एक विकास में अपनी भागीदारी का निर्माण करना चाहिए। यानी मापदंड के आधार पे होगा, ये काम अधिकारियों का है, प्रशासन का है, और जो नियम कानून जो जिस आधार पे बना ये काम उनका है। जनप्रतिनिधियों का काम है राशि स्वीकृत करवाना, और अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी और अच्छे ढंग से काम हो, लोगों को कहीं तकलीफ ना हो, ये काम जनप्रतिनिधियों का होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।